नरोम नमस्ते। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी यावी दिर्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय हो चुका है, शाम भी हो गया और मेरा निर्धारित समय 25 मिनट था, बट आई थिंक आई विल आल्सो फिनिश इन 10 मिनट्स, 10-15 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। आज के इस मेगा रैली में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए मेरे अपो भी लगता है और हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री तुंक बागरा जी और यहाँ के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया वासर जी और आप सभी के लोकप्रिय नेता बासार के न्याबी दर्शी जी जो यहाँ के जगपीसी भी हैं, स्टेट ऑफिस से मेरे साथ आए हुए, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि कितने लोग आए मेरे साथ। दो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं, तो तुम सोरा जी तो है ही यहाँ के स्थानीय नेता है वो भी, फिर कमदूप लॉयर जी भी आए हैं आवर से, वो भी हमारे माननीय स्टेट के सेक्रेटरी हैं। फिर हमारे साथ शंभु श्याम जी जो मोर्चा के माननीय मोर्चा के प्रेसिडेंट, तो आप सब के सामने अपनी बातें भी रखे थे। दुखसा जी हैं जो ट्रेनिंग के भी इंचार्ज हैं और बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है। फिर हमारे यहाँ नीमा संघे जी है जो मीडिया के को कन्वीनर स्टेट के। फिर हमारे यहाँ में महिला मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्री डोलमा जी हैं। फिर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर न्यूदो जी हैं। फिर कई जिलाओं के जिला प्रभारीगण हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साइज आखुम तुंगे जी जो लोअर सुबनसरी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। फिर अपना यहाँ के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लोकोबार जी तो है ही। फिर साथ में मैंने यहाँ देखा है अपना टोमी हैदर जी को भी, वो भी अपना पड़ोसी या कंस्टिट्यूंसी के हैं और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं और बहुत सारा बीजेपी के और भी स्टेट से आए हुए हैं, युवा मोर्चा के सदस्यजन भी हैं और जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन तो बैठे हैं और खास करके जो दूर दूर गांव से यहाँ जो आए हैं और आए थे, कुछ लोग चले गए बिकॉज शाम हो चुका है, तो हमारे यहाँ तो किसानों का जो लाइफस्टाइल है वो तो हम जानते ही हैं, जाकर घर में पशुपालन करना पड़ता है, ये देखना बहुत, इसलिए कुछ लोग चले गए। आप सभी को हार्दिक नमस्कार मेरे तरफ से और जितने भी आज यहाँ में बताए अपने बातें जो रखे थे, उन्होंने जो कहना था कह दिया, पार्टी के बारे में, मैडम के बारे में और यहाँ का जो पॉलिटिकल स्थिति है, यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति के बारे में भी सभी लोगों ने कहा। मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेपारादा के मुझे ये रिपोर्ट दिया है कि यहाँ पर आज तक वर्तमान में एज ऑफ नाउ 3968 एनपीपी के मेंबर्स बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। जितने भी एनपीपी के मेंबर्स बीजेपी के सदस्य बनके हमारे परिवार में जोड़ गए, आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पार्टी में और मैं बधाई भी देता हूँ क्योंकि आप इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवार में आप जोड़ गए और इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी में आप जोड़ गए और इस दुनिया के सबसे पॉपुलर लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के अंदर आप आ गए। आज के तारीख में नरेंद्र जी का रेटिंग है वो 76% है, वो दुनिया में अभी सबसे लोकप्रिय नेता है। ये हम बीजेपी वाले नहीं कहते, ये इंडिपेंडेंट जो रिसर्च एजेंसी है उनका कहना है। तो मैं जितने भी एनपीपी के सदस्यगण जो बीजेपी में ज्वाइन किए, मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको मैं एक आश्वासन देता हूँ कि आपका भविष्य तो सुधारा होगा और लेपारादा का भविष्य आपका आने से सुधारा होगा। दोस्तों ऐसा है, अभी जमाना बदल गया,
द टाइम हैज चेंज्ड, इंडिया बदल गया, इंडिया का जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल अपना रणनीति पॉलिटिकल जो गेम प्लान को करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं वो बदल गया। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी आने के बाद जो बदलाव देश में हुआ है अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, यानी कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया आज बदल गया, इंडिया में जो राष्ट्र का जो तारीख में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है ऐसा कभी किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आज ऐसा है कि वहां से दिल्ली से जब एक रुपया बेचता है यहाँ आपका तिरबिन में रहने वाले एक किसान को उसका अकाउंट में 100% पैसा पहुंच जाता है, एंड वो भी डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो अभी का जो गवर्नेंस है, अभी का जो सरकार है, अभी का जो सरकार का जो चलाने का जो सिस्टम है वो सुशासन है, गुड गवर्नेंस। अभी गुड गवर्नेंस का दिन, गुड गवर्नेंस वाला गवर्नमेंट हैज टू बी रेस्पॉन्सिव, गवर्नमेंट हैज टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव, गवर्नमेंट हैज टू बी सेंसिटिव, गवर्नमेंट हैज टू बी इक्विटेबल एंड गवर्नमेंट हैज टू बी ऑल एनकंपासिंग। तो आज का सरकार के सबको साथ साथ लेके चलना पर, हर वर्ग को साथ लेके चलना आज का गवर्नेंस का मंत्र वही है। तो ये जो मंत्र है वो मोदी सरकार इंप्लीमेंट कर रहा है, मोदी सरकार उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहा है। और खास करके मैं आपको बताते हैं, मुझे भी गर्व होता है, खुशी भी होता है कि मोदी जी का कार्यकाल में ट्राइबल लोगों को खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है और प्रायोरिटी दिया है, प्राथमिकता दिया है। ये हम कैसे पता चलता है? मोदी जी के कार्यकाल में ही एक ट्राइबल लेडी को द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। द्रौपदी मुर्मू जी आप और हम जैसे ही एक ट्राइबल लेडी है। द्रौपदी मुर्मू जी का समाज और हमारे समाज में कुछ फर्क नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम तो पढ़ते थे उनका किनशिप सिस्टम, उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, उनका रिचुअल्स राइट एक्चुअली हमारा जैसा ही है। सो हमारा जैसे एक जनजाति को मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति बना दिया, और ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही पॉसिबल है, मोदी सरकार में ही पॉसिबल है। और फिर हमारा ही प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, I mean, I'll tell you what equitable, how fair Modi government is, BJP government is. हमारे ही प्रदेश से एक छोटा सा जनजाति से जिसका संख्या 20,000 भी नहीं है, उसी जनजाति से आज एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, वो है अपना ही लोकप्रिय किरण रिजिजू जी। और उससे ज्यादा प्यार का क्या प्रूफ होगा कि हमारा जो राष्ट्र नेता हमको करते हैं। और आपको पता है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के बारे 6 बार या 7 बार अरुणाचल प्रदेश आ चुका है। आज के तारीख में अरुणाचल में क्या है, एयरपोर्ट है, ट्रांस अरुणाचल रोड्स है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल्स है, फार्मर्स का एग्रीकल्चर ऊपर कई सारा स्कीम्स है। तो आप देखिए, मैं कल आया पासीघाट से बासर, 2 घंटा 40 मिनट मैं पहुंचे पे पा, आई रीच फ्रॉम पासीघाट बासर में 2 घंटा 40 मिनट में पहुंचे, पहले वन होल दे रखता था। सो ये नया अरुणाचल है, दिस इज द न्यू अरुणाचल, दिस इज द अरुणाचल ऑफ मोदी सरकार, दिस इज द अरुणाचल ऑफ फेमस सरकार। अभी हम अपने घर से होलोंग एयरपोर्ट ईटानगर में होलोंग एयरपोर्ट जाके वहां प्लेन पर चढ़कर सीधा हम दिल्ली मुंबई जा सकते हैं। पहले हम दिल्ली जाने के लिए ईटानगर से नाइट सुपर में जाओ या तो कोई टैक्सी का अरेंजमेंट करो कि गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ो, करके कम से कम 1 या 2 दिन लगे। नाउ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ माई होम में उतरेगा, गाड़ी में चलेगा, गो ईटानगर एयरपोर्ट, फिर एनी डेस्टिनेशन इन इंडिया में मैं जा सकता हूँ। और ये जो चेंज है बदलाव, कितने सालों में, क्या एयरपोर्ट कितने साल में बना, 2 साल में, 2 साल
मोदी जी को इनॉग्रेशन इस्कॉन लेके फाउंडेशन स्टॉक और मोदी जी को इनॉग्रेशन किया, इसे कहते हैं घटी शक्ति और इसे कहते हैं मोदी का गारंटी। लाइफ वाज फेमस सरकार ने भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, खास करके युवाओं के लिए, स्पेशली इन द जॉब सेक्टर। पहले क्या होता था, जो गरीब घर से जो आते हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता है, जिसका पैसा नहीं होता है, घुस देने के लिए नहीं होता है, उनको नौकरी मिलता ही नहीं था। बिकॉज ऑल जॉब्स ऑल इंटरव्यूज वर कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट करते थे, तो उसमें विलिंग डीलिंग होता था। तो इसीलिए क्या होता था, जिसको मिलना चाहिए उन युवाओं को नहीं मिलता है, जो डिजर्विंग है उनको नहीं मिलता है, जो नॉन डिजर्विंग है, जो बैकडोर है, वो उसको नौकरी मिल जाता है, वो जाकर समाज को चलाने लगता है। लेकिन निवास सरकार आने के बाद क्या कि उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया, अभी जो डिजर्विंग है, जो मेरिटरस है, वो ही मिलेगा। अभी जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वही मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, इवन फॉर पॉलिटिशियन के लिए, लीडर्स के लिए क्या हो गया, लीडर्स का जो काम को भी हल्का कर दिए, इन अवर इंपॉर्टेंस को कम कर दिए, पावर हैज बीन गिवन टू द पीपल। सो दिस इज द न्यू अरुणाचल, ट्रांसफॉर्मेटिव अरुणाचल, रिफॉर्मेटिव अरुणाचल। तो अभी क्या है, ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बीजेपी बिलीव्स दैट हम पावर में देश को सेवा करने, देश को बदलने के लिए हम आना है। पावर में हम आकर अपने लिए, अपना फायदा के लिए, अपना ही पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं आना। तो इसीलिए बीजेपी में क्या करता होता है, पावर में आना एक साधन है, इट्स जस्ट अ टूल थ्रू व्हिच यू विल चेंज द सोसाइटी। फिर हमारा यहाँ में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होता है बीजेपी में, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वी हैव गाइडिंग प्रिंसिपल्स। हमारा यहाँ में इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का आइडियोलॉजी है, उसी से आता है अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास है। और इसलिए हमारे यहाँ में संगठन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और संगठन में जो काम करते हैं उसी को ही आगे जाकर बड़ा बड़ा दायित्व भी दिया जाता है। इसलिए जो संगठन के लिए जो काम करते हैं, संगठन के जो सक्रियस करते हैं, उनको उसको लॉन्ग रन में उनका उनको रिकग्निशन होता ही है। तो अभी मैं अगर लेपाराधा के बारे में कहूँ, जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी कहा है, लेपाराधा में बीजेपी को कौन, किसने आज इस स्तर पर पहुंचाया, कौन है, न्यायवेदर जी। लेपाराधा में जितना भी बीजेपी का जो काम है, बीजेपी का जो भी यहां में प्रोग्राम होता है, उसका सपोर्ट कौन दे रही है, तो इसीलिए मैं ये आश्वासन देना आप लोग को चाहता हूं कि जैसे पहले स्पीकर्स ने भी कहा, गोजिन गादे साहब ने भी कहा, गौतम स्वराज जी ने भी कहा, शंभु स्वामी जी ने भी कहा, कि जहां तक टिकट का सवाल है, बीजेपी में संगठन बेस ही टिकट देता है, जो संगठन के लिए काम करेगा उसी को ही टिकट देता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम और जो हमारे यहाँ का जो परंपरा है कि हम किसी को भी ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित नहीं कर सकता है तब जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा है जहाँ में एकदम हमारा एक सक्रिय डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, लोकप्रिय कार्यकर्ता है, लोकप्रिय नेता भी है, और उस जगह पर दूसरा कोई हमारा बीजेपी पार्टी का टिकट का दावेदार भी नहीं है, यानी कंट्रोवर्सी नहीं है, और ऊपर से बीजेपी ऐसा पार्टी है जो ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर ही टिकट को देते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर टिकट को देते हैं, इसलिए आज के तारीख में लेपाराधा में किसका ग्राउंड अच्छा है। जैसे पहले हमारा भोजन गांधी साहब ने में तो कहा, उन्होंने हिसाब किताब लगा दिया, और मेरा बड़े भाई बड़े हाथ नहीं, आपके स्थानीय वरिष्ठ बीजेपी के नेता और हमारे प्रदेश के
सेक्रेटरी गौतम स्वराज जी ने भी कहा कि मिनिमम 4000 का विनिंग मार्जिन का डिफरेंस होगा। तो इन सभी रियलिटीज को देखते हुए आप लोग को मेरे ख्याल में कुछ डाउट में भी नहीं होना चाहिए पार्टी किस तरह का इशू है। और ऊपर से क्या है, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है दैट बिलीव्स इन महिला सशक्तिकरण, वुमेन एंपावरमेंट। इसीलिए हमने क्या किया है, इस बार पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन हम लोगों ने लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए रखा है। पार्लियामेंट में भी होगा और इस तरह असेंबली में भी होगा। इसलिए अगर यहाँ अभी थोड़ा कुछ महिला लोग कम हो गए, लेकिन महिलाओं लोग गुड न्यूज है। तो यहाँ ऊपर में दाइस पे देखिए, हमारा न्यायवती तो है ही, फिर हमारा ओके एम मोयम बोरान जी है, वो भी अभी चीफ काउंसिलर है। फिर हमारे महिला मोर्चा के सदस्य गण भी यहाँ है। Who knows, कल वो लोग की विधायक बन जाएगा, हम लोग उनको मैडम मैडम करके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 29 के बाद 20 जो सीट है हमारी स्टेट असेंबली में वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। इवन इन पार्टी, हमारे बीजेपी पार्टी में भी हम वही प्रैक्टिस करते हैं, जब हम पोस्ट देते हैं, जैसे हमारे स्टेट ऑफिस बेयरर्स हैं, मोर्चा के ऑफिस बेयरर्स होते हैं, युवा के ऑफिस बेयरर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेयरर्स, उसमें हम 33% जो सीट है महिलाओं का ही देता है। इसलिए आप देखिए हमारा वाइस प्रेसिडेंट में 6 वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट में, उसमें 2 महिला है। सेक्रेटरी में 6 सेक्रेटरी, उसमें 2 महिला है। तो 33% का जो रिजर्वेशन है बीजेपी, विदाउट राइटिंग विदाउट डिक्लेयरिंग हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, पार्टी में प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए इस बार हम पार्लियामेंट में भी असेंबली में भी 33% रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली लाया है। अगर उस नजर से हम देखेंगे तो 33% रिजर्वेशन तो यहाँ जरूर अप्लाई होगा मैं सोचता हूँ। लोकप्रिय भी है और महिला भी है। और जैसे कि पहले कहा मेरे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट शंभू जी ने, ऑलरेडी यादव दिलसी जी को जेपी से का टिकट दे चुका है, ऑलरेडी जेपी से दे चुका है, व्हिच मींस ही ऑलरेडी क्वालिफाइज। टिकट किसको देगा नहीं देगा, टिकट कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा अथॉरिटी नहीं है। आई हैव नो अथॉरिटी टू डिक्लेयर टिकट इसको मिलेगा उसको मिलेगा नहीं, और नियम भी नहीं है बीजेपी में। लेकिन मैं सर्कमस्टेंसेस बातों को बोल रहा हूँ, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस बातों को, कि जहाँ पर एक कंपटीशन है और उस कंपटीशन में दूसरा कॉम्पिटिटर ही नहीं, एक ही आदमी है, तो ऑब्वियसली मेडल वही ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ का माहौल है। और आज जो रिपोर्ट मुझे सबमिट किया है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने जुना जी ने, उसमें तो 3960 यानी कि 4000 से बचला, अभी तक तो 4000 हो गया, 4000 और पहले तो 6000 का तो है ही, जैसे गोविंद गांधी साहब ने कहा 6000 पहले से ही है, उसमें से 1000 में चला गया, फिर भी तो 5000 तो है, यानी कि अभी भी 4000 प्लस 5000 9000। और आपका लास्ट टाइम का जो या जो मार्जिन थे वो 240 थे, 240 का अगर चाहते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भी कौन लीड कर रहा है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपका यहाँ का जो लोकप्रिय नेता के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। मैं पहली बार उसको जब जेपीएम टिकट के लिए आई थी तब मैं उनको मैं मिला था, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत एक्टिव लेडी है और काफ़ी रेस्पेक्टफुल भी है और हम्बल भी है। फिर आगे जाके निकला तो ये मेरा हिगने भी लगती है, बिकॉज मेरा वाइफ और उनका वाइफ क्लैन भी की वो अलायंस है। फिर इत्तेफाक की बात है, जेपीएम जीत गए और फिर जेपीसी का जो सीट है
वो वुमेन रिजर्वेशन हो गए, तो बाय डिफॉल्ट जेटपीसी बन गए। जेटपीसी बनने के बाद हमने यहाँ का अपने काम से, अपने कार्य से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना एटीट्यूड से उन्होंने लोगों का मन जीता, आप सभी का मन जीत उन्होंने जीती। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीनियर सिटीजन का मन को उन्होंने जीती, तो फिर उनका ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग होने के कारण आज देखिए यहाँ पर खुला खुला हुस हु ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट हियर टू वजन दलिता फॉर्मर मिनिस्टर इकेन रिबासा फॉर्मर मिनिस्टर आपका मेरा ये सर तबोंग बाम सर तो चले गए फर्स्ट आईएस फ्रॉम गलो कम्युनिटी एंड अपना मार्कर बाम सर फॉर्मर चीफ इंजीनियर मेरा आशीष तोनी बाम सर फॉर्मर चीफ ये सब फॉर्मर गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स हैं और खुल के आ रहे हैं तो फॉर्मर ही तो आएंगे ना प्रेजेंट नहीं आ सकता है लेकिन मुझे कोई सर के प्रेजेंट भी अंदर से इनको समर्थन कर रहा होगा और इसीलिए इनका अपना काम करने का तरीका से और अंदाज से अभी आप सब और हमारे ईटानगर में भी लोग इनको आयरन लेडी ऑफ लेपारादा कहने लगे। फिर से मैं आई लाइक टू रीटरेट अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ तक टिकट का सवाल है मेरा तो कोई अथॉरिटी नहीं है टिकट इसको मिलेगा उसको मिलेगा कहने का और जिसको भी पेमा खांडू साहब जोरामा के साहब और दिल्ली के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड देंगे वो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है लेकिन सरकमटेंशियल एविडेंस के हिसाब से जाने से अंदाजा आप सब खुद लगा लीजिए। मैं यही संदेश और जो रिपोर्ट मुझे सबमिट किया है इसी को लेकर मैं हमारे माननीय अध्यक्ष बीरो मगे जी के पास जाऊंगा, उनको मैं सबमिट कर दूंगा। हमारे जो मुख्यमंत्री है उसको भी हमारे प्रेसिडेंट बता देंगे और मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि इस संदेश को इस मैसेज को हमारे विराम वगे जी हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली तक भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तक भी पहुंचा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मेरे वाक्यों को मैं ही विराम देता हूं और वो धन्यवाद भारत माता की।